नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कचल। इंदौर पलासिया थाना क्षेत्र के पौष इलाके मनोरमा गंज में कल शाम अज्ञात बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड रामबाबू की गला रेत कर हत्या कर दी और बाहर से ताला लगाकर भाग गए। आइए सुनते हैं थाना पलासिया के थाना प्रभारी विनोद दीक्षित जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं जय दलवानी पुलिस वाला न्यूज से। आज हमारे साथ जुड़े हैं दीक्षित जी, थाना पुलिस थाना प्रभारी। दीक्षित जी, कल जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है रामबाबू चौकीदार के हत्या का, उसके बारे में पुलिस वाला के माध्यम से। कल एक मनोरमा गंज में हमारे यहाँ शुभलाभ अपार्टमेंट है, उसमें ये ज्ञात हुआ था कि किसी चौकीदार की लाश अंदर पड़ी हुई है। उसे गार्ड रूम में, चेंजिंग रूम है, चार्जिंग रूम जिसको कहते हैं, छोटा सा रूम है, पार्किंग स्थल बना हुआ। जब जाकर देखा, ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ के देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो जब उसको देखा तो गले में थोड़ी उसकी गले में काफ़ी चोट थी, चोट से उसकी हत्या होना ज्ञात हुई। जहाँ तक ज्ञात हुआ है तो ये ज्ञात हुआ है कि वो चौकीदारी अभी एक महीने पहले कर रहा था, उसके पहले दूसरा चौकीदार को चौकीदारी कर रहा था। कोरोना काल में जब वो छुट्टी चला गया, उसके स्थान पर उसको पदस्थ किया गया था। उसके भाई मेरे को रिपोर्ट पर 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और संबंधित लोगों से इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकर इसकी पूछताछ की जाएगी। 10 दिन पहले जो इंजीनियर नहीं, दोनों ही केस अलग अलग हैं। उसमें तो उनके ही जो काम करने वाले लोगों ने हत्या की, जबकि ये एक अज्ञात है, इसमें कोई अज्ञात कारण नहीं है। तो सीसीटीवी कैमरा नहीं, अभी तक हमको वहाँ पर कोई सीसीटीवी आसपास लगे हुए नहीं, तो कोई जानकारी नहीं। थैंक यू।